क्या कभी महाराणा प्रताप और अकबर मिले थे? क्या महाराणा प्रताप के सामने कभी अकबर आ पाया था? क्या अकबर की औकात थी कि वो महाराणा प्रताप के सामने आके खड़ा भी हो पाता? और युद्ध भूमि की तो बात छोड़िए, कभी वो बाहर भी कभी मिले थे क्या? तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप भी बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसे तो कभी सुना नहीं। तो जोधा अकबर नाम का एक सीरियल आता है, आता था, फिर भी आता होगा, मेरे को नहीं पता, तो रिपीट टेलीकास्ट चलते रहते हैं। तो क्या है, उसमें दिखाया जाता है कि महाराणा प्रताप और अकबर एक ही शादी में जो है आमेर पहुंचते हैं और आमने सामने बातचीत करते हैं भाई, यहाँ तक कि उनको चौसर खेलते हुए दिखाया गया। मुझे तो ये डर लग रहा था कि महाराणा प्रताप को अकबर के सामने हरा ना दे वो, क्योंकि जानते हैं इतिहासकार जो इतने तो मुगलों के चाटुकारिता करने में, अंग्रेज़ों के चाटुकारिता करने वाले जो इतिहासकार, वो कुछ भी लिख ही सकते हैं। जोधा नाम के काल्पनिक कैरेक्टर को पहले से जोड़ ही दिया है अकबर के साथ, वही जोधा फिल्म, जोधा अकबर फिल्म में अकबर को इतना सहिष्णु दिखाया जाता है, आप जानते हैं इतिहास में कितना अकबर महान है हमारे पुस्तकों में, लेकिन सच्चाई तो कुछ और है, सभी को आज पता ही चलता जा रहा है। तो क्या सच में कभी महाराणा प्रताप और अकबर कभी मिले भी थे, कभी आमने सामने आ पाए थे? तो ऐसा कोई भी ऐतिहासिक स्रोत नहीं मिलते मिलेगा आपको कि जिसमें अकबर या महाराणा प्रताप के आमने सामने आने की बात हो। अगर अकबर अगर हल्दी घाटी युद्ध में गलती से आ जाता तो कभी एक शरीर के साथ जा ही नहीं पाता, दो टुकड़े में ही जाता कभी, ये तो सभी को पता ही है। महाराणा प्रताप के सामने आकर कभी भी जीवित नहीं जा सकता था, इसीलिए वो कभी महाराणा प्रताप के सामने आया ही नहीं। और ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण आपको नहीं मिलेंगे जिसमें बताया जाए कि अकबर और महाराणा प्रताप में कभी संवाद भी होगा, और अकबर और महाराणा प्रताप में कभी तुलना करने की तो बात ही मत करना। शारीरिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, किसी भी तौर पर अकबर महाराणा प्रताप के सामने एक चींटी के समान भी नहीं ठहरता था। लेकिन होता क्या है, सेकुलरवादियों द्वारा जो है जोधा अकबर नाम के सीरियल निकाला जाता है जिसमें जो है काल्पनिक घटनाओं के तौर पर जो है पता नहीं वो इतिहास के साथ ऐसे छेड़छाड़ करके दिखाते हैं, महाराणा प्रताप और अकबर को एक साथ दिखाते हैं, जहाँ अकबर जवाब देता है महाराणा प्रताप को कि हम युद्ध भूमि में नहीं, वरना हमारी शमशीर आपको जवाब देती है। मतलब क्या सोच सकते हैं, अकबर को कैसे दिखाया जा रहा है, महाराणा प्रताप को उनके सामने उसके सामने विवश होते हुए दिखाया जाता है। मतलब ऐतिहासिक स्रोतों के साथ ऐसा छेड़छाड़ कर जा रहा है, और वो भी जो है दिन दहाड़े ऐसे टीवी सीरियल चलते हैं और लोग इसे सच्चाई समझ के देख भी रहे हैं। भाई मैंने खुद अपने आसपास देखा है कि लोग जो है इसे ऐतिहासिक स्रोत समझते हैं और महाराणा प्रताप की जो है बुराई की जाती है इसको देख के, क्योंकि अकबर को इतना महान और अच्छा दिखाया गया है उसमें कि लोग समझ ही नहीं पाते कि ऐतिहासिक स्रोत जो है असल में जो पढ़े जाने चाहिए उसको लोग पढ़ते नहीं, ऐसी वो जो है कला साहित्य के माध्यम से सीखते हैं इतिहास को, जो कि एकदम झूठ इतिहास को प्रस्तुत करता है, जिससे लोग जो है गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। तो क्या आपने कभी ये घटिया सीरियल देखा है? क्या आप भी ऐसे मेरे जैसे ये झूठे इतिहास के चक्कर में पड़े हो? कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपको भी कभी लगता था कि अकबर महाराणा प्रताप कभी मिले हैं, या क्या आपको कुछ पता है इसके बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है कि अकबर और महाराणा प्रताप के संवाद और भेंट के और खेल चौसर खेल की जो है बात काल्पनिक तौर पर जोधा अकबर नाम के सीरियल में दिखाई जाती है? तो क्या आपको लगता है कि अकबर और महाराणा प्रताप सच में मिले हैं, आपने स्वप्न में भी सोचा है? तो कमेंट कर जरूर बताएगा। जय श्री राम, हर महादेव।